नमस्कार दोस्तों, द रॉयल ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। आज आप लोगों को हम दिखलाएंगे कि कैसे हमारे बिहार यूपी की सरकार वोट लेने को तो वोट ले लेती है, लेकिन जनता को कैसे मूर्ख बनाती है। अभी हम हैं पंजाब के जलंधर सिटी में और यहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे बिहार यूपी के मजदूर किस्म के लोग अपने जीवन बस्ती वसाने के लिए, गुजारने के लिए कैसे यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं। 10x12 की खुली में कैसे अपने आप को कैद करके रखते हैं, सिर्फ इतना के लिए कि वो कमा करके अपने परिवार को खिला सके, अच्छे से स्वास्थ्य और शिक्षा दे सके। तो आप लोगों को आज हम दिखाते हैं कि कैसे बिहारी यूपी के मजदूर किस्म के लोग पंजाब में अपना जीवन बस्ती बसर कर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिहार के वैशाली जिला के ही हैं और यहाँ पंजाब में आकर के लगभग 10 साल से ही घुपचुप के काम कर रहे हैं, पानी पूरी बेच रहे हैं, कहीं नुक्कड़ पर जा कर के रेड़ी लगाते हैं और अपने परिवार के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। इन लोगों का शिकायत है कि बिहार सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, ना तो बिहार सरकार बिहार में कोई इंडस्ट्री लगाती है। बातें तो बड़ी बड़ी करती है जब वोट लेने का समय आता है, लेकिन जब जनता को कुछ देने का समय आता है तो उस पर चिल्ला करके FIR करके नाजायज़ केस में फंसा दिया जाता है। अगर आप इस लोकतंत्र के धरती पर है तो विरोध भी नहीं कर सकते। और देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने परिवार का जीवन बसाने के लिए दिन रात मेहनत करके और पानी पूरी घुपचुप बनाने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे मजदूर किस्म के लोग जो है यहाँ पे इस बेरा में लगभग 20 से ऊपर लोग हैं जो कि अपने परिवार को चलाने के लिए, बसाने के लिए दिन रात एक मेहनत करके और किस तरीके से यहाँ पर मजदूरी के काम करते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम आप लोगों को और रूम दिखलाते हैं कि कहाँ का है, कैसा है। ये भी है वैशाली ज़िला के भूषण जी और ये भी एक लोहा फैक्ट्री में काम करते हैं। 10x12 के खुली में रहते हैं और अपने परिवार को चलाने के लिए किस तरीके से दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और फिर भी बिहार सरकार को कुछ नहीं कह पाते हैं, क्योंकि यह जानते हैं कि अगर हम विरोध करेंगे तो हमको कुछ ही नाजायज़ केस में FIR करके हमको जेल में डाल दिया जाएगा। यही है लोकतंत्र की धरती। आपको और हम दिखलाते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं किस तरीके से ड्यूटी जाने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, नहा रहे हैं और अपने आप को एक स्वतंत्र भारतीय नागरिक बनाने की पूरा कोशिश करते हैं। 10,000-15,000 में ही ये लोग खुश है, क्योंकि ये जानते हैं कि इतना पैसा परिवार चलाने के लिए बहुत ज़्यादा है। और आपको हम दिखलाते हैं, यहाँ बाथरूम का सुविधा भी देख लीजिए, पूरा लगभग 10x12 का 20 खोली होगा और लगभग पूरा खोली का बाथरूम यही है। और एक आदमी जाता है तो दूसरे आदमी को नंबर लगना पड़ता है और हर कोई यह तैयारी में है कि हम जल्द से जल्द अपने काम पर, अपने कंपनी में पहुंच सके। यहाँ का खोली भी आप लोगों को हम दिखलाएंगे कि कैसे 10x12 के खोली है। ज़िंदगी बिताने के लिए बहुत ज़रूरी है काम करना, लेकिन इस पर हमारी बिहार सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। हम गरीब मजदूर किस्म के लोगों के बारे में सोचना चाहिए ताकि बिहार छोड़ कर के हमें अन्य प्रदेश में आकर के और इस तरीके से मजदूरी नहीं करना पड़े। हम बिहार में ही खुश रहना चाहते हैं, लेकिन मजदूरन लोग जो है बिहार छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। अपने परिवार को चलाना है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, अच्छी स्वास्थ्य के लिए कामना करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी साइकिल है और इधर भी साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ये लोग अपने दम पर ही खड़ा किए हैं। इसमें
ना तो इनको किसी सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है और ना ही इनको यह दिलासा दिया गया है कि हम आपको वादा करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ये लोग भी जानते हैं कि सिर्फ वोट के समय वादा किया जाता है और कुछ नहीं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि कैसे बिहार के मजदूर अपने जीवन चलाने के लिए किस तरीक़ा से दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।